हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 15 ऑफ हॉटटेक्स स्टार्ट करते पहले हॉटटेक्स यार जो की है ए के माल तेर की तरफ से डब्ल्यू डब्ल्यू वर्सेज ए डब्ल्यू की वजह से फैंस को फुल मस्त कंटेंट मिलेगा एंड यार आई विल अग्री विद यू यार ये जो बीच बीच में दोनों कंपनीज के शो के क्लैश हो रहे हैं ना जैसे अभी एनेक्सटी और डायनामाइट का हुआ वैसे नेक्स्ट मंथ स्मैकडाउन का भी होने वाला है इतना तो हमने देख लिया कितना कॉम्पिटिशन था दो शोज क्लैश क्या किए डब्ल्यू ने सारे मेगा स्टार्स एन एक्सटी पे डाल दिए यार कोई सोच सकते हैं अंडर डेकोड जो एन एक्सटी पे आएंगे व्यूज तक में नहीं आते ये तो हाँ बींग फैंस हमारे तो मजे इसकी साइड या उसकी साइड लेने की जगह बस रेसलिंग एंजॉय करो यार नेक्स्ट हॉट एक यार नवजोत सिंह का कि सिर्फ मेल डिवीजन को ही मेन इवेंट करना चाहिए रेसिलेनी की दोनों नाइट्स को आई विल डिस विद यू मैं इसलिए डिस कर रहा हूँ क्योंकि यार अगर फीमेल सुपर की भी कोई ऐसी स्टोरी लाइन चल रही है जो कि डिजर्व करती मेन इवेंट स्पॉट तो उन्हें मिलना चाहिए ऐसे नहीं की भाई फीमेल वाला तो क्यों ही डाल ले आपको याद होगा रेसिली सेवन की नाइट वन को साशा सा और ब्यांका ब्लेयर ने मेन इवेंट किया था और क्या कमाल का मैच था वो लास्ट ईयर सेन ने मेन इवेंट किया था तो वही बात है एट दी एंड स्टोरी मैटर करती है

इतनी जरूरत नहीं है ठीक है जो तो चल रहा है चलने दो ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं कि भाई टाइटल देनी देनी इस टाइम पे नाउ नेक्स्ट हॉट टेक वंदना की तरफ से रोमन रेन्स जॉनसिना का मैच सर्वाइवर 2023 में होगा एंड आई विल डेफिनेटली डिसएग्री विद यू क्योंकि जितना स्केड्यूल सामने आया था सीना का उसमें क्राउन जूल के बाद की डेट थी नहीं यानी कि सिंपल सी बात है की जॉनसीना उसके बाद शायद डब में होने नहीं वाले क्राउन जूल तक जितना एंजॉय करना है यार सीना का रन कर लो ज्यादा टाइम तक वो हमें देखने को मिलने नहीं वाले तो ये वाला मैच भी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर मतलब अगर हो जाए मैं तो खुशी हूँ

के साथ खेल लो उसके बाद वर्ल्ड टाइटल के साथ भी खेल लेना इससे अगर अगर अभी अलाइव तो मिस्टीरियो है तो डॉमिन वाली स्टोरी लाइन में जरूर इवाल विद क्योंकि, क्योंकि यार ये सारे एक दूसरे से है। ये फ्रेंड्स से ज्यादा तो यार अगर आज के टाइमिन मिस्टीरियो का डेब्यू होना होता वो सारी स्टोरी लाइन चलनी होती तो कैसे इन्वॉल्व नहीं होते नेक्स्ट यार यश की तरफ से डब्यूडब एलनाइट को टाइटल दे देना चाहिए इससे पहले कि उनकी हाइप खत्म हो जाए एंड आई विल अग्री विद यू देखो यार एलेनाइ की जितनी पॉपुलरिटी अभी चल रही है आई थिंक वो इस टाइम पे यूएस टाइटल तो डिजर्व करते हैं और आई नो आप में से काफी लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार एलेनाइट मतलब हमेशा ही ऐसे पॉपुलर रहेंगे जैसे कि अभी है। जो कि हो सकता है एक साल डेढ़ साल उसके बाद शायद टर्न कर या फिर कुछ भी अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि भाई एकदम से उन्हें वहां पहुंचा दो एकदम एकदम से टाइटल पकड़ा दो लेकिन यार जिस तरह वो टॉप स्टॉइ लाइन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना पता है हमें रॉमेंज से तो वो जीतने नहीं वाले क्राउन जूल में बट एक मेड का टाइटल वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं इससे नेक्स्ट हॉट टेक किया राम कृपाल शर्मा का है कि ब्रोन ब्रेकर डब्लू डब्ल्यू के टॉप स्टार बनने वाले हैं एंड इसमें इस तो कोई भाई शक ही नहीं है आई विल डेफिनेटली विद यू नेक्स्ट उनकी परफॉर्मेंस देख के और जितना भी मैंने उन्हें देखा है वो कमाल धमाल करेंगे बोल दिया आपने यार मुझे तो पर्सनली लगता है एज डब्लब्ल्यू वापस आएंगे हाँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ एज ए रेस्लर वो वापस ना आए क्योंकि रेसलिंग उनका हो गया अब जितना होना था रिटायरमेंट मैच भी दे दिया उन्होंने अब ए में चले गए रेसलिंग करेंगे तो यस एज ए रेस्लर तो नहीं कभी ना कभी एज हॉल ऑफ फेमर जैसे वो हैं, द गॉड ऑफ डब्लू एक लेजेंड के तौर तो पर रोमर रेज बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से चैंपियन है यार, और इतने लंबे टाइम बाद भी रेलवेंट रहना बहुत मुश्किल चीज है लास्ट टाइम कब हमने इतने सालों का रेन देखा किसी का भी किसी का भी नहीं हुआ इतना भी रोमरेज बोरिंग फील नहीं हो रहे हाँ यार रोमन ज नहीं होते तो फिर बोरिंग तो फील हो जाता मुझे याद है जोनसना से भी बोर होने लग गए थे लोग जब बहुत लंबा टाइटल रेन हो गया था उनका वो तो फिर भी तीन सौ दिनों का था ये तो बारह सौ से भी ज्यादा हो गया अब नेक्स्ट हॉट टेक यार क्यूटी किंग का कि भाई फिन बैलर एक वर्ल्ड टाइटल रन डिजर्व करते हैं एंड यार आई विल डेफिनेटली अग्री विद यू फिन बैलर के साथ बहुत ही ज्यादा मतलब नाइन साफी हुई है ट्वेंटी सिक्सटीन था ना वो जब वो यूनिवर्सल टाइटल जीते थे उनके लिए कितने अच्छे प्लेयर्स हो गए के आगे जाके लेकिन हुआ क्या सोचो यार वो बस एक एनएक्सटी के कॉलअप थे एनएक्सटी से आते उन्हें वर्ल्ड टाइटल रन में डाल दिया था

उसमें जाके कहीं एडब्ल्यू आती है तो शायद चार परसेंट या पांच परसेंट होगा एडब्ल्यू का तो सोचो डब्ल्यू डब्ल्यू को सर पास करना कितना मतलब इन्फिनाइट लेवल मुश्किल है हाँ, नेवर से नेवर बोलते हैं, इसलिए मैं रहा इम्पॉसिबल है बट हाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है का, जो करंट कैरेक्टर है वो एक वर्ल्ड मटेरियल है तो ब्रो इसके लिए मुझे बहुत देर तक सोचना पड़ा बट नाउ आई कैन से आई विल डिसएग्री विद यू क्योंकि मेरे हिसाब से अगर उनको वर्ल्ड टाइटल मटेरियल बनना है ना तो थोड़ा